अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जितने भी स्टूडेंट्स अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन कह दिया करें, ताकि अल्लाह ताला किसी भी इंसान की ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ के सदक़े और आमीन के सदक़े सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे और सबको कामयाब कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, एक छोटी सी अपडेट थी स्टूडेंट्स, मैंने जो अभी लास्ट वीडियो अपडेट की है कोई एक घंटा पहले, नीचे कोई 15-20 स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए हैं कि सर आज पंजाब यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी, तो प्लीज़ हमें बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है या किस टाइम पे मीटिंग है और किस बेस पे मीटिंग थी। देखिए, ना तो मैंने कोई सोशल मीडिया पर देखी है न्यूज़ के मीटिंग है, ना ही किसी बंदे की तरफ से मैंने सुनी है। इवन कि मैंने अताउल्ला को भी कॉल की थी यूनिवर्सिटी में, तो वो कह रहा है कि भाईजान कोई भी मीटिंग नहीं थी किसी भी किस्म की, ना ही कोई स्केजुअल था मीटिंग का। तो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ मिलती है, या अगर कोई फेक न्यूज़ ऐसी मिलती है तो प्लीज़ आप इस पर यकीन ना किया करें। क्योंकि अगर तो कोई आपको ट्विटर अकाउंट पे मिल जाती है, अगर आपको फेसबुक पे मिल जाती है, किसी ऑफिशियल पेज पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाती है, ऑब्वियसली हो सकती है। लेकिन अगर आपको किसी भी ऑफिशियल अकाउंट पर ये ट्वीट नहीं मिली या पोस्ट नहीं मिली कि आप कोई मीटिंग है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बिहाफ पे या स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। और एनसीओसी की तरफ से इंशाल्लाह ताला जो है ना मीटिंग्स हो रही हैं, वो इस बेस पे इसको लेके इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कि लॉकडाउन कब तक रहना है, हमने इसे कब ख़त्म करना है, स्कूल्स कब ओपन करने, और होपफुली इंशाल्लाह ताला मंडे से ओपन हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबका आमीन। सिर्फ छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं बार बार। तो अल्लाह ताला सबका आमीन। सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।